हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और आपके दोस्त काजोल। बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान की पठान ने अपने कलेक्शन से इतिहास रच दिया है। बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही पठान वर्ल्ड वाइड भी गदर मचा रही है और जमकर कलेक्शन कर रही है। वैलेंटाइन डे के मौके पर भी एक्शन थ्रिलर फिल्म पर दुनिया भर की ऑडियंस ने जमकर प्यार लुटाया और सिनेमा घरों में शाहरुख की फिल्म को देखने के लिए दर्शक उमड़ पड़े। तीसरे मंडे को कलेक्शन में गिरावट दर्ज करने के बाद मंगलवार को वैलेंटाइन डे के दिन पठान की कमाई में एक बार फिर से उछाल आया। चलिए आज जानते हैं कि शाहरुख की स्पाई थ्रिलर पठान ने अब तक वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर ली है। ब्रह्मास्त्र, बाहुबली और दृश्यम जैसी कई फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी पठान ने वैलेंटाइन डे पर दुनिया भर में शानदार प्रदर्शन किया। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मुताबिक ऑल इंडिया पठान ने 5.60 करोड़ की कमाई की, जिसके बाद हिंदी में घरेलू नेट वर्थ अगर हम बात करें तो 482.23 करोड़ और साउथ में 17 करोड़ हो गया है। इसके साथ ही फिल्म ने कुल कमाई 500 करोड़ रुपए कर ली है। वही बुधवार को बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड ने बताया है कि फिल्म का ग्लोबल कलेक्शन जो है वो 1000 करोड़ के आंकड़े से चंद कदम दूर है। जी हाँ, उम्मीद है कि इस हफ्ते फिल्म ये मैजिकल आंकड़ा भी पार कर लेगी और इसी के साथ बाहुबली 2 का रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। दुनिया भर के साथ साथ पठान ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन किया। सिद्धार्थ आनंद के एक्शन थ्रिलर में शाहरुख खान के अलावा दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम, आशुतोष राणा और डिंपल कपाड़िया ने अहम रोल प्ले किया है। वाकई ये मूवी जो है वो शाहरुख खान के लिए कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक टाई ब्रेकर साबित हुई है। क्रिकेटर हार्दिक पंड्या और एक्ट्रेस नताशा ने 14 फरवरी को उदयपुर में वैलेंटाइन के दिन एक बार फिर से क्रिश्चियन सेरेमनी में ड्रीम वेडिंग की। कपल ने फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स और अपने 3 साल के बेटे अगस्त की मौजूदगी में शादी की है। वहीं नताशा और हार्दिक की ग्रैंड वेडिंग के जश्न का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ट्विटर पर वायरल हो रहे वीडियो में हार्दिक और नताशा अपनी शादी को सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में शैंपेन की बोतल ओपन करते हैं और नताशा ताली बजाती हुई नजर आ रही है। वीडियो के बैकग्राउंड में बॉलीवुड ट्रैक तेरा प्यार प्यार भी बज रहा है। वहीं नताशा और हार्दिक की शादी के बाद उन्हें फैंस जमकर बधाई दे रहे हैं। अपने बिग डे पर हार्दिक पंड्या ब्लैक कलर के टक्सीडो में डैपर लग रहे थे, जिसे उन्होंने एक व्हाइट शॉर्ट, बोटाई और टिंटेड चश्मे के साथ पेयर किया। वहीं ब्राइड नताशा फुल स्लीव्स और थाई हाई स्लिट वाले वेडिंग गाउन में गॉर्जियस लग रही थी। खूबसूरत नताशा ने अपने वेडिंग गाउन के साथ एक स्टेटमेंट डायमंड नेकलेस और मैचिंग इयररिंग्स के साथ पेयर किया था। उन्होंने स्लीक बन और नेचुरल मेकअप के साथ अपने लुक को कंप्लीट किया। नताशा और हार्दिक का सिंपल वेडिंग लुक लोगों को काफी पसंद आ रहा है। हार्दिक नताशा की शादी में उनके भाई कृणाल पंड्या और उनकी पत्नी पंखुड़ी शर्मा भी मौजूद थी। वहीं क्रिकेट जगत से विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन और कमेंटेटर जतिन स्क्रू भी शादी में पहुंचे थे। दुनिया के फेमस रैपर में से एक एमसी स्टैन ने कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 16 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली, ये तो हर कोई जानता है। उनके फैंस रैपर के विनर बनने पर एक तरफ बहुत खुश है, वहीं कुछ लोग उन्हें ट्रॉफी के लायक नहीं बता रहे। सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी हुई है। लोगों का कहना है कि ये अनफेयर हुआ है। हालांकि एमसी स्टैन की फैन फॉलोइंग है ही इतनी तगड़ी कि ज्यादा एक्टिव ना रहने के बावजूद भी वो शो जीत गए। एमसी स्टैन भारी वोटों के साथ बिग बॉस 16 के विनर बने। फैंस काफी खुश हैं। स्टैन के विनर बनने के बाद साथ साथ सोशल मीडिया पर एक और चर्चा हो रही है। दरअसल स्टैन की पॉपुलैरिटी में एक और इजाफा हो गया है। जी हाँ, जिसकी वजह से उन्होंने इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। ये हम नहीं बल्कि उनके फैंस कह रहे हैं। दरअसल स्टैन के विनर बनने के बाद उनके द्वारा सोशल मीडिया पर लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया गया। भले ही विराट की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, लेकिन हालिया पोस्ट में उन्हें स्टैन से कम लाइक्स मिले हैं। एमसी स्टैन के लेटेस्ट पोस्ट में जहां 4 मिलियन लोगों ने इसे पसंद किया, तो वहीं विराट के लेटेस्ट पोस्ट पर सिर्फ 2 मिलियन लाइक्स है। स्टैन के एक फैन पेज ने दोनों के लेटेस्ट पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया। एक तस्वीर में स्टैन सलमान खान के साथ नजर आ रहे हैं, वहीं विराट के पोस्ट में वो मैदान पर दिख रहे हैं। तो यानी कहा जा सकता है कि वाकई बिग बॉस 16 जीतने के बाद एमसी स्टैन की फैन फॉलोइंग और ज्यादा बढ़ गई है। तो ऐसी मसालेदार चटपटी खबरों के लिए आप देखते रहिए बॉलीवुड गपशप।